हाई गाइज, वी आर बैक विद अनदर वीडियो। और इस वीडियो में हम अनबॉक्स करेंगे एलईडी रिंग लाइट्स को। हमने रिसेंटली एलईडी रिंग लाइट्स ली हैं और ट्राईपॉड्स भी होंगे इसके साथ ऑब्वियसली। सो वी आर गोना अनबॉक्स एलईडी रिंग लाइट्स। एंड गाइज, ये एलईडी रिंग लाइट्स जो हैं वो काफ़ी हेल्पफुल होती हैं इन क्लाउडी डेज एंड विंटर्स, इन इवनिंग टाइम्स एंड एट नाइट। गाइज, समटाइम्स लाइक नाउडेज विंटर्स हैं और अगर आप इंडोर शूट करना चाह रहे हैं तो इवन इफ इट इज़ डे टाइम और मॉर्निंग टाइम, नाइट टाइम, इवनिंग टाइम, तो इंडोर ब्राइटनेस तो आती नहीं है, सनलाइट तो आती नहीं है विंटर्स में। एंड इन समर्स इवनिंग में लाइट अच्छी नहीं होती, और नाइट टाइम में भी आपको शूट करना होता है, समटाइम्स आपको देर रात में वीडियो बनानी होती है और यूट्यूब पर डालनी है या टिकटॉक या किसी भी प्लेटफॉर्म पर डालनी है, तो आपको एलईडी लाइट्स चाहिए होती हैं ब्राइट अगर वीडियो रिकॉर्ड करनी है। और बेशक आप लेट नाइट रिकॉर्ड करें और मॉर्निंग में करें, अर्ली मॉर्निंग में करें, और क्लाउडी डेज़ में अगर आप आउटडोर्स भी शूट कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो डे टाइम में भी क्लाउडी डेज़ हैं और विंटर्स हैं, तो डे टाइम में भी आपको ब्राइट वीडियो रिकॉर्ड नहीं होगी और डल वीडियो होगी, तो आपको यू नीड रिंग लाइट्स और एलईडी लाइट्स, एनी काइंड ऑफ एलईडी लाइट्स फॉर प्रोडक्शन, फॉर वीडियो रिकॉर्डिंग शूटिंग के लिए। तो मैं हॉल रोड गया था, हॉल रोड कंप्यूटर मार्केट लाहौर में, वहाँ से पेयर ऑफ रिंग लाइट्स लाया हूँ जिसमें ऑब्वियसली ट्राईपॉड्स उसके साथ होते हैं। और जो मैं लाया हूँ वो इसमें 3-4 वेरियंट्स थे रिंग लाइट्स के, डिफरेंट प्राइसेस पर हैं और डिफरेंट साइज़ हैं उनके रिंग लाइट्स के। और गाइज, जो मैं लाया हूँ इसमें ये USB के थ्रू पावर होगा, तो आप इसको अडेप्टर के थ्रू, अपने मोबाइल चार्जर अडेप्टर के थ्रू या पावर बैंक के थ्रू या किसी भी USB ड्राइव USB हब में पोर्ट में लगा के इसको पावर अप कर सकते हैं। सो गाइस, ये बॉक्सेस हैं, इन दोनों में जो हैं ट्राईपॉड्स हैं और उसके नीचे हैं वो LED लाइट्स, रिंग लाइट्स। अभी हम इनको अनबॉक्स करेंगे। सो नाउ लेट्स बिगिन द अनबॉक्सिंग। सो दिस राइट हियर, ये एक बॉक्स है और इसमें ये कॉटन है और इसमें इन्होंने पैक किया हुआ, तो इसको हम अनरैप करते हैं और ये प्लास्टिक रैपिंग। एंड गाइस, दिस राइट हियर इज ट्राईपॉड, और ये काफ़ी सेंसिटिव नेचर का है, काफ़ी सॉफ्ट सा। अभी इस वक्त जो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ये एक और ट्राईपॉड पर माउंट हुआ है DSLR, और दैट ट्राईपॉड इज़ अ स्ट्रॉन्ग वन। और ये जो है ये LED लाइट्स के लिए इस टाइप के ट्राईपॉड्स होते हैं, इसको हम ऐसे इसको स्ट्रेच करें, ये ओपन हो गए। कुछ इस तरीके से, और अगर मैं यहाँ से इसको पुश करूँ, ओके, सो गाइज, ये इसकी लेग्स हैं इस ट्राईपॉड की, और ये इसकी टॉप साइड है, और यहाँ पर भी ये एरिया जो है यहाँ पर डिफरेंट इसमें है, इसको आप एक्सटेंड कर सकते हैं फर्दर, इसको ऊपर की तरफ अगर हम खींचें तो ये इसको हम जितना भी हमें हाइटेड चाहिए, जितनी भी हाइट पर हमें रिंग लाइट चाहिए, और उस हिसाब से हम एडजस्ट कर सकते हैं अपने हाइट के हिसाब से। फर्दर इसमें एक और है, वो तो काफ़ी बड़ा हो गया, वो। सो गाइस, ये देखें इसकी ये लेग्स हैं सामने, और इसकी हाइट, इसको मैंने ऑलमोस्ट काफ़ी हद तक मैंने इसको जितना भी ये हाइट पे जा सकता था उतना मैंने इसको किया। एंड चेक दैट आउट, वो काफ़ी बड़ा ट्राईपॉड है, एक ट्राईपॉड ये है, और बिल्कुल ठीक ऐसे ही एक और ट्राईपॉड भी है। गाइस, वो इस दूसरे बॉक्स में है। तो भी हम अनरैप करते हैं, and exactly same sort of tripod,
तो इसको यहाँ से नीचे की तरफ को मैं करूँगा, सी दैट। और गाइज यहाँ पर इसको अगर मुझे इसकी हाइट इंक्रीज़ करनी है तो यहाँ से इसको मैं पुल करूँगा, और ये इसके कंट्रोल्स हैं, इसको अनलॉक करके मैं और लंबे से लंबा ऊंचा खींच सकता हूँ। सो ये है इसके ट्राईपॉड। सो गाइस दीज आर टू ट्राईपॉड्स। तो गाइस ये हैं वो दो ट्राईपॉड स्टैंड्स, और मैंने इतना इनको अभी ओपन किया, इनको थोड़ा सा इनकी हाइट जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, लेकिन मैंने इनको अभी ज़रा कम किया, और अभी हम इसके ऊपर रिंग लाइट्स कनेक्ट करेंगे। सो गाइस रिंग फिल लाइट एलईडी लाइट्स और रिंग लाइट्स। सो ये इसका बॉक्स है, दिस इज़ द बॉक्स। और गाइस इसमें थ्री शेड्स हैं, थ्री शेड्स। इट हैज़ गॉट वाइट डे कूल लाइट एंड येलो लाइट एंड येलोइश वाइट लाइट और ऑफ वाइट, सम पीपल कॉल इट ऑफ वाइट। तीन इसमें शेड्स हैं, तीन इसमें लाइट्स हैं, बिल्कुल वाइट एकदम कूल डे लाइट, और थोड़ा येलोइश सा टच देने वाला येलो और वाइट के बीचों बीच, और एक येलो लाइट। तो आपको एक ही रिंग लाइट में तीनों मिल जाते हैं। तो बेसिक पैरामीटर्स यहाँ पे इसकी बैक साइड पे लिखे हैं। आउटपुट पावर इट नीड्स 14 वाट्स ऑफ पावर, और वोल्टेज यूएसबी के थ्रू ये जो ले रहा है वो इसे चाहिए 3.7 वोल्ट्स टू 5 वोल्ट्स। बड़ा माइनर सी वोल्टेज है, आपका जो मोबाइल चार्जर का अडेप्टर होता है ना वो भी इसे चला लेगा। तो लेट्स अनबॉक्स इट। ओके वाओ। सो गाइस ये है वो रिंग लाइट, इसके अंदर ऐसे रिंग लाइट पड़ी हुई है, और ये इसके डिफरेंट इसमें मोबाइल को कनेक्ट करने के लिए, मोबाइल को माउंट करने के लिए फर्दर ये माउंट्स हैं। इसके यहाँ पे होल्स होते हैं, यहाँ पे कनेक्ट होंगे। एंड गाइस दिस इज अनदर बॉक्स ऑफ रिंग लाइट। ओके, और इसमें भी एक रिंग लाइट है, और इसके अपने आइटम्स हैं। तो गाइस दो बॉक्सेस हमारे पास, एक ये है और एक ये है, दो डिफरेंट इन्होंने बॉक्सेस दिए हमें, और इसके अंदर रिंग लाइट्स हैं। तो गाइस ये इसमें पता नहीं क्या है, ओहो ये गाइस इसमें पता नहीं क्या है। अच्छा ये बैंड हो रहा है, और इसका क्या यूजेज है ये मुझे इस वक्त नहीं पता। और ये दो हैं इसमें, और इस बैग के अंदर और भी कुछ चीज़ें हैं। ओके ये एक और है, अच्छा अच्छा हाँ ठीक है ठीक है, ये वो माउंट्स हैं, सॉर्ट ऑफ मिनी ट्राईपॉड यू कैन से, ट्राईपॉड तो नहीं लेकिन सिंगल पॉड है ये जो है इसके अंदर इंसर्ट होगा। इसको ऐसे करके ना इसको थोड़ा सा जोर लगाना पड़ेगा, जो कि मैं इस वक्त लगाने के मूड में नहीं हूँ। तो इसको इस पर इंसर्ट करते होते हैं, और ये फिर ऐसे ऐसी शेप देता है, और यहाँ पे मोबाइल या आप कुछ भी एडजस्ट कर लेते हैं। ओके, और ये थ्री हैं टोटल, तीन होते हैं ऐसे, वैसे ये लगे लगाए देते हैं। इसमें ओपन है, और ये इम्पॉर्टेंट चीज़, क्योंकि आपको इसको जो ये रिंग लाइट है इसको इनके ट्राईपॉड पे कनेक्ट करना है, तो वहाँ पर ये काम आने वाला है। इसके बगैर जो है ना ज़रा कनेक्ट करना मुश्किल हो जाएगा, ट्राईपॉड के ऊपर लगाना मुश्किल हो जाएगा। ओके तो गाइस ये है रिंग लाइट। अच्छा ठीक है, प्यारी है, नाइस वन, लुकिंग नाइस, लेकिन इससे भी ज़्यादा मज़ा आएगा जब हम इसको ऑन करेंगे। तो गाइस ये है इसकी यूएसबी केबल, पावर केबल, और इसके थ्रू हम इसे पावर करते हैं, और इसको हम पावर बैंक में या फिर हम मोबाइल अडेप्टर में या किसी भी यूएसबी पोर्ट में कनेक्ट कर सकते हैं। और ये है गाइस इसका रिमोट।
और इसके थ्रू हम इसको ऑन ऑफ़ कर सकते हैं और ब्राइटनेस इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़। एंड यहाँ पे चेंजिंग मोड है जिसमें इसमें थ्री वेरिएंट्स हैं, वाइट कलर एंड येलोइश वाइट कलर एंड येलो लाइट, थ्री शेड्स हैं। तो उनमें स्विच करने के लिए हम ये बटन्स यूज़ करेंगे। नाउ लेट्स गो टू अनदर बॉक्स। ये सेकेंड बॉक्स है हमारा और ये देखो गाइस, चेक दिस आउट। तो ये मैं थ्री कह रहा था, ये सिंगल पॉड्स जो हैं इसमें दिए हुए हैं, ठीक है। और ये लगे लगाए इसमें मिलते हैं, ये वही स्टिक्स हैं जो यहाँ पर अलग से दी हुई हैं हमें, ये वही हैं। और इनको ख़ुद से लगाना पड़ेगा, अगर आपको ऐसे मिले तो आप इसको ख़ुद से इंसर्ट करेंगे, नहीं तो ये मोस्टली जो है आपको ऐसे ये ऑलरेडी इन्होंने करके दी होती हैं। और ये एग्जैक्टली सेम साइज़ है, और इसका असल में जो साइज़ है ना ये ज़रा बड़ा है, तो ये इसमें जा भी नहीं रहा, खैर। बट आई हैव टू और मैं इनको यूज़ करने भी नहीं वाला हूँ, सो मुझे वैसे भी नहीं चाहिए। और ये भी बैंड हो जाते हैं, तो ये आपको काम आ सकते हैं, स्पेशली वो लोग जो टिकटॉक वीडियोस बना रहे हो उनके भी काम आती है ये, क्योंकि वो फ्रंट पे ही ये देखें भाई, ये रिंग लाइट है, यहाँ पर थ्री होल्स हैं, यहाँ पर थ्री होल्स हैं, थ्री होल्स। और ये जो मोनोपॉड या सिंगल पॉड है, इसको असल में आप जो है ना या माउंट आप से कह लें, तो इसको ऊपर इसके कनेक्ट कर देते हैं, और यहाँ पे मोबाइल या कोई भी डिवाइस जो आपको कैप्चर कर रहेगी उसको आप कनेक्ट कर देते हैं, और ये लाइट ऑन होती है तो एकदम ब्राइट आप आते हैं। तो ये लोग भी कर रहे होते हैं समटाइम्स, और यहाँ पर दो और लगा सकते हैं एट द सेम टाइम, दो और कनेक्ट कर सकते हैं इसी तरीके से। खैर ये मैं नहीं कनेक्ट करने वाला। और गाइस ये एक और ट्राईपॉड के ऊपर रिंग लाइट को कनेक्ट करने के लिए एक फर्दर एक माउंट है, ओके। और रिंग लाइट को बाहर निकालते हैं इसको, ओके। इन दोनों में डिफरेंस है गाइस, थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों रिंग लाइट्स के कलर में, थोड़ा सा डिफरेंस है। खैर क्वालिटी ऑलमोस्ट सिमिलर होगी, मैंने एक ही शॉप से लिया, और ये इसकी यूएसबी केबल है और ये इसका रिमोट है। अब इसको हम कनेक्ट करते हैं इनके ट्राईपॉड्स पर। तो गाइस ये ट्राईपॉड है और ये है वो रिंग लाइट, ओके दैट रिंग लाइट। और इसको अभी हम माउंट कर देते हैं सिंपली, इस ट्राईपॉड को ज़रा सा नीचे करते हैं। तो सिंपल है कि इसके नीचे यहाँ पर एक होल है, और यहाँ पर एक बोल्ट सा है, पेच सा बना हुआ, तो इस पर इसको रखना है और हमने इसको घुमा देना है और अच्छे से इसे टाइट कर लेंगे। ओ नहीं 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 नहीं, बल्कि वो जो माउंट है एक छोटी सी प्यारी सी माउंट, ऐसी क्यूट सी माउंट, ये जो छोटी सी इसमें क्यूट सी माउंट है ना, ये बड़ा पेज था इसमें इंसर्ट नहीं हो रहा, तो ये इसीलिए इसको हम इसके ऊपर कनेक्ट करेंगे। ये जो इसका होल है इस छोटी सी माउंट का, इसको हम इसके ऊपर कनेक्ट करेंगे कुछ ऐसे। चलो अब ये इसके ऊपर हो गया कनेक्ट। गाइज इसका भी यहाँ पर लॉक है, ये भी मूव करता है असल में, इसका भी लॉक है। अगर हम इसको अनलॉक करें तो आप लोग देख सकते हो कि ये ऐसे मूव कर रहा है, इसके अंदर भी बॉल है, बॉल सी लगी हुई है और ये मूव करता है। तो मुझे एकदम स्ट्रेट लाइट चाहिए, बैंड नहीं करना मुझे थोड़ा सा भी, तो मैं उस हिसाब से उसको एडजस्ट करूँगा, अपने हिसाब से आप लोग एडजस्ट करेंगे ऑब्वियसली। तो इसको एडजस्ट करके दिस इज़ हाउ इट्स गोना लुक, इस तरह का दिखेगा ये। तो इसको एडजस्ट करने के बाद अभी हम फाइनली जो है अपनी रिंग लाइट इस पर लगा देंगे, और अभी इसको टाइट करना अच्छे से, ओके इसको राउंड एंड राउंड इसको हम घुमाएंगे, ओके आई थिंक ये हो गया यहाँ से। लेकिन ये जो इसके नीचे ये थोड़ा सा बना हुआ ना, इसको भी घुमाएंगे, ब्लैक सा जो ये माउंट था इसके नीचे, इसको यहाँ से भी टाइट करेंगे, ओके इट्स ऑलमोस्ट टाइट। अब इतना भी नहीं कर देना है, टूट जाए, बहुत सेंसिटिव सी लाइट है, प्लास्टिक बॉडी है इसकी, तो इट कैन ब्रेक ऑल्सो, सो इतना भी नहीं हम इसको टाइट करेंगे। और इसको मैं ज़रा सा ट्राईपॉड को नीचे करता हूँ,
कैमरा में अच्छे से लेंगे हम उसको। इसी तरह से अभी हम दूसरे ट्राईपॉड को भी, दूसरे ट्राईपॉड पर भी एलईडी लाइट को माउंट करते हैं और इसको फिर ऑन करते हैं लाइट्स को। यहाँ से मैंने टाइट नहीं किया, लॉक नहीं किया इसको, तो लॉक भी रखना साथ में, नहीं तो गिर जाएगा नीचे। अनदर रिंग लाइट, ये भी होगी कनेक्ट। नाउ लेट्स टर्न इट ऑन। तो गाइज, ऐसा मोबाइल का जो अडेप्टर होता है वो आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर ये यूएसबी पोर्ट बनी हुई है, तो रिंग लाइट की यूएसबी वायर इसमें इंसर्ट करो और इसको प्लग कर दो बोर्ड में और ये ऑन हो जाएगा। और अगर आप मल्टीपल रिंग लाइट्स एक वक्त में ऑन करना चाह रहे हो, जैसे मैं यहाँ पर दो रिंग लाइट्स ऑन करने वाला हूँ, तो यू कैन मेक यूज़ ऑफ यूएसबी पोर्ट हब। और ऐसे पोर्ट हब मिल जाते हैं मार्केट में, और इसके भी ऊपर भी हमने वीडियो बनाई है जो कि एंड स्क्रीन पर भी इसका लिंक होगा। हॉलीवुड से डिफरेंट आइटम्स लिए थे, उनमें से एक ये भी था। और ये जो है आगे बोर्ड में प्लग होता है, इसको इलेक्ट्रिक करंट मिलता है और यहाँ पर यूएसबी वायर कनेक्ट हो जाएंगी। और यहाँ पे मल्टीपल पोर्ट्स होती हैं, तो इस वक्त जो मेरे पास है वो इसमें हब में फोर पोर्ट्स हैं, तो मैं फोर रिंग लाइट्स एट अ टाइम ऑपरेट कर सकता हूँ। तो गाइज़ अभी हम इसको प्लग करेंगे और लाइट्स को ऑन करेंगे। तो गाइज़ ये मैंने कनेक्ट कर दिया है, ये रिमोट है इसका एलईडी लाइट का, और इसके ऊपर भी ये लाइट ऑन हो गया ब्लू लाइट, तो इसमें करंट आ रहा है। और ये हमारे पास इलेक्ट्रिक बोर्ड है और इसमें हमने ये प्लग कर दिया, और ये है हमारा हब और इसमें हमने वायर प्लग कर दी। तो अभी पहले मैं एक ऑन कर रहा हूँ और इसमें ऑन ऑफ का बटन है, तो पावर ऑन। वो ओके, पावर ऑफ, ऑन ऑफ, ऑन ऑफ, तो इट वर्क्स। ये पावर ऑन कर लिया और यहाँ पे माइनस प्लस का बटन है, ये आप लोगों को मैं पास से दिखा रहा हूँ कि इसमें प्लस माइनस और जो रिसाइकल वाला आइकन बना हुआ है, सिंबल है, वो शेड चेंज करने के लिए, और पावर ऑन ऑफ का है। तो गाइस ये पावर ऑन, और ब्राइटनेस को हम इसमें डिक्रीज करते हैं, तो ये मिनिमम होगी ब्राइटनेस इसकी, और ब्राइटनेस मैं इंक्रीज़ करता हूँ, और आप लोगों को दिख रहा है कि इसकी ब्राइटनेस इंक्रीज डिक्रीज़ वाकई में हो रही है। ये डिक्रीज़ हो गई और ये इंक्रीज़ हो गई। और अब हम शेड चेंज करते हैं इसके, ये इस वक्त करंटली है येलोइश वाइट लाइट में, और ये है इसका येलो लाइट, ये इसकी येलो लाइट है। और गाइज ये इसकी वाइट लाइट है, कूल डे लाइट, ये है येलो वाइट लाइट, येलोइश वाइट लाइट, और ये है येलो लाइट। ये इसको आप सनी सनी लाइट, इसका सनी डे लाइट टाइप कह लो, डे लाइट, कूल डे लाइट और येलो वाइट एंड डे लाइट। सो गाइज नाउ आई हैव कनेक्टेड बोथ ऑफ दीज रिंग लाइट्स टू दैट यूएसबी हब, और दोनों के रिमोट्स मेरे हाथ में, और मैं अभी ऑन करता हूँ, पावर ऑन। ओके, और ये सेकंड। अच्छा, कोई एक लाइट एक टाइम पर ऑन हो पा रही है, क्योंकि जो अडेप्टर है हमारा वो थोड़ा उसमें लेस पावर है और वो इतना आउटपुट नहीं दे पा रहा कि दोनों सेम टाइम पर ऑन हो पाए। इसको मैं ऑन करूं फिर इसको, और ये दोनों ऑफ हो जाती हैं, तो कोई एक एक वक्त पे हो रही है, क्योंकि इसको 5 वोल्ट चाहिए, 3.5 वोल्ट्स टू 5 वोल्ट्स, और इतना ही एक वक्त में ये अडेप्टर देता है आउटपुट। तो इसका मतलब है आपको, आपके पास हब तो है, अगर यूएसबी पोर्ट का यूएसबी हब है, पोर्ट्स हैं एक से ज़्यादा मल्टीपल, बट आपको जो आउटपुट है ना, तो वो भी ज़्यादा ही चाहिए ऑब्वियसली। खैर, मैं दोनों को वन बाय वन ही ऑन करके दिखा देता हूँ। तो ये एक ऑन हुई है, और ब्राइटनेस डिक्रीज और ब्राइटनेस इंक्रीज और शेड चेंज, वाइट लाइट, कूल डे लाइट, और ये है येलोइश वाइट लाइट, और ये है एकदम सनी लाइट या सनलाइट या डे लाइट। तो ये इसका येलो लाइट है, और ये दूसरी, ये इसकी येलो, येलोइश वाइट लाइट, ब्राइटनेस इंक्रीज डिक्रीज एंड इंक्रीज, शेड चेंज, येलो लाइट and cool delight. So guys, hope you liked this video, and if you enjoyed this video and it was informative for you guys, make sure you subscribe to our YouTube channel and see you guys in next video. काफी बड़ा हो गया।
वो तेरी छत पे जाके लगाई।